को चोट लगे बाबा, डॉक्टर कहने में पाई डाला में हवा चला गया बाबा। भैया हमारे पैसा के नाते ना कहीं कहे हमारे डाला पैसा कहाँ पाओ भैया, हमारे को कमाई ना हमारा आदमी घर बैठा रहा था, हमारे को कमाई ना भैया। ओ भैया हम कहाँ भैया पाई जो भैया, मम्मी ने चार जने हमेशा भैया वो ना देना चक्कूगा से मारे लगे नहीं, इतना बड़ा बड़ा डगर बाबा। वही से चिन्ह बाबा भैया के मैंने उठा उठा फेंकत रहा नहीं, सही कहा मम्मी जैसे भूया हम फेंकल जला अद्दा माटी, वैसे हमारे करे जब हम फिर फेंकले मेरी मम्मी हमारे मम्मी भैया बताई तो इलाज ना फिर सी ओ बोला लेने कहीं आवा हम तो कुछ न कर बोला लेना भैया के मेरे जलिया में डाल देना भैया। चक्कर आवत रहा जब आई रहन लौट के हॉस्पिटल से मुझे डलात ना ही रहा तब निकलवा लेना। सबसे बड़ी बात यह है तरफ से घेर घेर मारे कि आपको समझना चाहिए सीओ साहब एक दिन में डिस्चार्ज करवा ले आते हैं। जिस आदमी को चक्कर आ रहा है, चाकू लगा है, छलनी हो गया उसका शरीर, थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए कानून और प्रशासन को। भीम आर्मी वालों ने डंडे में नुकीला तार लपेट कर ऐसा पीटा जैसे कोई कसाई जानवर को हलाल करता हो। तस्वीर में दिख रही बूढ़ी माँ ने पिछले कई दिनों से अन्न का एक निवाला नहीं खाया है, दिन रात अपने निर्दोष बेटे के लिए रोए जा रही है और गुहार लगा रही है, लेकिन बदकिस्मती से न प्रशासन का साथ है और न ही समाज का। इतना पीटने के बावजूद भी भीम आर्मी वालों ने SC ST लगवा दिया। कोई दलित है तो शोषित ही होगा, वंचित ही होगा, सताया ही गया होगा, और कोई सवर्ण है कितना भी गरीब है लेकिन वो बहुत बड़ा बदमाश होगा, बहुत बड़ा आतताई होगा, लोगों पे जुर्म ढा रहा होगा। ठीक ऐसी ही एक कहानी जौनपुर जिले के करियाव गांव की है। ये कहानी मैं पिछले कुछ दिनों से आपको दिखा रहा हूँ। ये करियाव गांव का एक युवक होता है जिसे भीम आर्मी वाले बुला के तबके रात पीटते हैं, मारते हैं, एकदम अधमरा कर देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर SC ST भी लगवा देते हैं। फ्रेम में आपको माता जी नज़र आ रही हैं जो इस वक्त रो रही हैं, गुहार लगा रही हैं, अपनी परेशानी बता रही हैं, लेकिन कौन है सुनने वाला है, कौन है समझने वाला। मारन भैया वाला पेट लपेट मारे भैया, भैया के तारे से मारे रहे माता जी में तार लपेटे रही तार भैया, इसे चक्कू से चीर दिए, चक्कू ये लगा भैया, टाका लगा 40-45 भैया भैया रोए मत माता जी, रोए मत, कैसे बताइए भैया। चोट बहुत ज्यादा लगा रहा, बहुत चोट लगा बाबा, डॉक्टर कहने में पाई डाला में हवा चला गया बाबा। भैया हमारे पैसा के नाते ना कहीं कहे हमारे डाला पैसा कहाँ पाओ भैया, हमारे को कमाई ना हमारा आदमी घर बैठा रहा था, हमारे को कमाई ना भैया। ओ भैया हम कहाँ भैया पाए जो भैया, पूरा इलाज सही से नहीं हो पाए, सही इलाज ना फिर सीओ बोला लेने कहीं आवा हम तो कुछ न कर बोला लेना भैया के मेरे जलिया में डाल देना भैया। चक्कर आवत रहा जब आई रहन लौट के हॉस्पिटल से मुझे डलात ना ही रहा तब निकलवा लेना, 5 दिन डॉक्टर फिर 5 दिन तो डिस्चार्ज, दूसरे दिन निकाल लेना से। हाँ भैया के मेरे दूसरे दिन निकाल के लेके चला यार। माता जी कुछ पता बा, कई जने मारत रहन मिलके, हम ना रहे भैया, हम नहीं रहे, काफी जने मिलके मारत रहन। हाँ 40-45 लोग रहने भैया के, अड़वा अड़वा छिपा रहन भैया, हमारे गाड़िया से उतरने तब मारे लगने भैया। कब भैया बताओ, मम्मी ने 4 जने हमेशा भैया वो ना देना चक्कूगा से मारे लगने, इतना बड़ा बड़ा डगर बाबा। वही से चिन्ह बाबा भैया के मैंने उठा उठा फेंकत रहा नहीं, सही कहा मम्मी जैसे भूया हम फेंकल जला अद्दा माटी, वैसे हमारे करे जब हम फिर फेंकले मेरी मम्मी हमारे मम्मी भैया बताए। माता जी प्रशासन से कुछ न्याय मिलेगा आपको लग रहा है? हमारे भैया रोवा लगा मेरे भैया, शांत हो जाइए माता भैया। तो दोस्तों ये एक मार्मिक कहानी है जहाँ पे रात को उठा के ले जाते हैं, नुकीले तारों से पीटते हैं, छलनी कर देते हैं, छेद कर देते हैं और आवाज उठाने और सुनने वाला कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शासन प्रशासन संभव है, पीटा भी जाता है, लड़के को मारा जाता है, सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ऊपर से उसके ऊपर SC ST लगा दिया जाता है। मैं और बहुत ज्यादा कुछ कहने की हालत में हूँ नहीं, मैं लगातार आपको ये खबर दिखा रहा हूँ, मैं लगातार इस मुद्दे पर लगा हूँ और लगा रहूँगा, अकेले लगा रहूँगा, लेकिन लगा रहूँगा। मैं इस मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ क्योंकि हमेशा हमने सच का साथ दिया है। मैं अकेला इंसान हूँ जो दलितों का खबर पूरे 3 जिला में दिखाता हूँ। कोई मार खाता है, किसी का घर टूटता है तो पहला मैं जाता हूँ, लेकिन इस तरीके से अत्याचार करना भीम आर्मी के नाम पे भीम आर्मी के नाम पे 40 लोग इकट्ठा होकर लोगों को मारना और प्रतियों का एक दिन में डिस्चार्ज करवा ले आना। उनको चक्कर आ रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया। कहाँ का न्याय है ये? सुना भाई, हमको धमकी देते कि अब जब हम पाई तब घर में घुसर के बिटिया बहन माई जौन पाई वही के मारब। बहुत सी गाड़ी, एक से एक गाड़ी देते बिटिया बहन ठकुरे बाबा के गाड़ी देते कैसे करके लेके हम भाग जा भाई। फट्टा फारता मारत मारत फाट गया तो रोहे से राडे से मारे भैया के दहीना तो ठीक है भैया।